वेलकम टू माय चैनल कुकिंग विद आभा। फ्रेंड्स कैसे हैं आप? आज मैं बहुत ही जल्दी बनने वाली सब्जी बेसन प्याज की सब्जी बनाने जा रही हूँ, जो बहुत ही टेस्टी होती है खाने में और बहुत ही जल्दी बन जाती है। जब हमारा कुछ जल्दी से बनाने का मन करे और कुछ चटपटा खाने का मन करे तो ये सब्जी आप ट्राई करिएगा, बहुत ही जल्दी बन जाती है। या फिर अचानक हमारे घर में कोई मेहमान आ जाए और हमें कुछ सब्जी जल्दी बनानी पड़ जाए तो आप इस सब्जी को ट्राई कर सकते हैं। ये बहुत ही क्विक रेसिपी है। इसके लिए मैंने गैस ऑन कर लिया है, एक फ्राई पैन लिया है, इसमें मैंने 3 चम्मच जो है खाने वाले वो बेसन लिया है, इसको मैं मीडियम फ्लेम पे भूनूंगी बेसन को, जब तक इसका कलर चेंज नहीं हो जाता और इसमें हल्की सी खुशबू नहीं आ जाती। लगातार चलाते हुए इसे हम भून लेंगे, ज़्यादा नहीं भूनना है, हल्का सा बस कलर चेंज हो जाए और उसमें खुशबू आनी स्टार्ट हो जाए बस तब तक। आप देख सकते हैं बेसन हमारा भून गया है, इसे भून कर ही आप सब्जी में डालिएगा तभी इसका टेस्ट जो है बहुत ही अच्छा आता है। कच्चा बेसन डालने से इसका टेस्ट अच्छा नहीं आएगा सब्जी में। हमें ज़्यादा नहीं भूनना है, बस हल्का सा कलर चेंज हो जाए और इसमें से खुशबू आने शुरू हो जाए। अब मैं गैस को बंद कर रही हूँ और इसको 2 मिनट के लिए, क्योंकि ये फ्राई पैन अभी गर्म है, इसमें ऐसे ही 2 मिनट हल्का हल्का, और इसके बाद मैं बेसन को एक कटोरी में निकाल रही हूँ क्योंकि अभी हमारा फ्राई पैन गर्म है, अगर मैं इसमें छोड़ दूंगी तो बेसन हमारा नीचे से जल जाएगा। बेसन हमारा भून गया था, उसे मैंने एक कटोरी में निकाल लिया है। अब मैंने एक फ्राई पैन रखा है, इसमें मैंने 2 बड़े चम्मच जो है ऑयल के डाले हैं। आप चाहें तो इसे देसी घी भी बना सकते हैं, उससे भी बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है, पर मैं इसे ऑयल में बनाना प्रेफर ज़्यादा करती हूँ। अब मैंने तेल हमारा हल्का सा गर्म हो गया है, अब मैं इसमें 1 पिंच हींग डालूंगी। और 1 चम्मच जो है जीरा डालूंगी। जीरा जब हमारा हल्का तड़कने लग जाए तब मैं इसमें प्याज, और इसको हमें ज़्यादा नहीं भूनना है, सिर्फ 2-3 मिनट ही से भूनना है जब तक इसका कच्चापन ना चला जाए और ये ट्रांसपेरेंट ना हो जाए हल्के से, तब तक हमें इसे भूनना है। ये बहुत ही जल्दी बन जाती है सब्जी और सभी को बहुत पसंद आती है। अभी जैसे गर्मियों का मौसम है और हम ज़्यादा चीज़ नहीं बना पाते गर्मी में किचन में खड़े होके, तो ये बहुत ही क्विक रेसिपी है। प्याज को हमें मीडियम फ्लेम पे ही भूनना है और ज़्यादा नहीं भूनना है, बस हल्के से ट्रांसपेरेंट हो जाए जब तक ही हमें भूनना है। आप देख सकते हैं हमारे जो प्याज है वो ट्रांसपेरेंट होना शुरू हो गए हैं। मैंने यहाँ पे 4 बड़े प्याज लिए हैं, इसको मैंने ऐसे लंबे लंबे स्लाइसेस में काट लिया था। अगर आपके छोटे प्याज है तो उसकी क्वान्टिटी आप बढ़ा सकते हैं, क्योंकि प्याज से ही इसका टेस्ट सब्जी का बहुत ही अच्छा आता है। अब मैंने इसमें जो है 4 हरी मिर्च ली थी, उसे मैंने बारीक काट लिया था, वो ऐड कर रही हूँ। उसको भी मैं हल्के से भून लूंगी इसमें। अब टमाटर ये ऐड कर रही हूँ, ये मैंने 2 बड़े साइज के लिए हैं, इनको मैंने रफली चॉप कर लिया था। अब टमाटर डालने के बाद मैं इसमें नमक डालूंगी जिससे हमारी जो सब्जी है वो अच्छे से पक जाए। ये आप अपने अकॉर्डिंग टू टेस्ट ऐड करें नमक को, हरी मिर्च की क्वांटिटी भी आप कम ज़्यादा अपने हिसाब से कर सकते हैं। अगर आपको तीखा कम पसंद है तो उसकी क्वांटिटी आप कम घटा दें, और अगर आपको ज़्यादा तीखा पसंद है तो वो बढ़ा भी सकते हैं आप इसे, जब तक हमारे टमाटर बिल्कुल सॉफ्ट नहीं हो जाते और इसके ऊपर से ऑयल नहीं सरफेस होना शुरू हो जाता तब तक हम इसे भूनेंगे। हमारे जो टमाटर हैं वो अच्छे से सॉफ्ट हो गए हैं, आप देख सकते हैं, और ऑयल ऊपर आना शुरू हो गया है। अब मैं इसमें सारे मसाले ऐड करूँगी। मैंने 1/2 चम्मच जो है हल्दी पाउडर ऐड किया है, धनिया पाउडर 1.5 चम्मच, लाल चिली पाउडर, ये आप अकॉर्डिंग टू टेस्ट ऐड करें, और सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब मैं इसमें 1/2 चम्मच जो है कसूरी मेथी का ऐड कर रही हूँ। आप कोई भी बेसन सब्जी बनाएं तो उसमें कसूरी मेथी जरूर ऐड करें, इससे इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। इसे ऐसे क्रश करके मैं ऐड कर रही हूँ और थोड़ा सा बिल्कुल गरम मसाला, इन सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लूँगी मैं।
नमक मैं पहले ऐड कर चुकी हूँ। अब मैं इसमें जो मैंने बेसन भून के रखा था वो ऐड करूँगी। बेसन को आप इकट्ठे ऐड मत करिएगा, थोड़ा थोड़ा करके ऐड करिएगा। इकट्ठे ऐड करने से इसमें लम्स पड़ जाते हैं, यानी कि गांठें पड़ जाती हैं। थोड़ा थोड़ा करके ऐड और ऐसे ही लाते रहिएगा। ये बहुत ही जल्दी बन जाती है सब्जी। अब मैं बेसन को टमाटर प्याज में अच्छे से मिक्स कर लूंगी। अब मैं इसमें एक चम्मच के छोटा वाला आधा चम्मच जो चिली फ्लेक्स ऐड कर रही हूँ। आप ये आप देख के डालिएगा, क्योंकि इसमें हरी मिर्च डली हुई है, लाल मिर्च पाउडर भी डाला हुआ है, इसलिए आप देख के डालिएगा। और इसमें और अच्छा स्वाद लाने के लिए मैं इसमें एक चम्मच छोटी वाली जो है खटाई की ऐड कर रही हूँ। सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे हम। नमक वगैरह आप चख लीजिएगा, अगर आपको कम लगे तो वो भी आप दोबारा ऐड कर सकते हैं। अब मैंने ये धनिया पत्ती जो है वो ऐड कर रही हूँ, इसको भी अच्छे से मिक्स कर लूँगी। मैंने सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब मैं 2 मिनट इसको ढककर पकने दूँगी, जिससे हमारे सब जो सब चीज़ें हैं मसाला वगैरह वो अच्छे से सब्जी में मिक्स हो जाए। तो इसको मीडियम फ्लेम पे मैं 2 मिनट के लिए पका रही हूँ ढककर। 2-3 मिनट हो चुके हैं। अब हम जो है लीड हटाकर देख लेते हैं कि हमारी सब्जी वो कैसी बनी है। मैं गैस को बिल्कुल सिम कर रही हूँ, पहले इसको उठा के इधर रख दिया और अच्छे से एक बार से मिक्स कर लूँगी। हमारी सब्जी बनकर बिल्कुल तैयार है। आप देख सकते हैं कितनी अच्छी लग रही है देखने में, खुशबू तो बहुत ही अच्छी आ रही है इसकी। अब मैं इसे प्लेट आउट कर रही हूँ। हमारी बेसन प्याज की सब्जी बनकर बिल्कुल तैयार है। आप देख सकते हैं कितनी अच्छी लग रही है खाने में। ये बहुत ही टेस्टी होती है और सभी को बहुत पसंद आती है। आप इसे कभी बनाकर खा सकते हैं, इसे आप चपाती पराठे किसी के साथ भी आराम से बनाकर खा सकते हैं। आप एक बार बेसन प्याज सब्जी बनाकर देखिएगा और मुझे बताइएगा कि आपकी ये सब्जी कैसे बनी। अगर आपको मेरी बेसन प्याज की सब्जी अच्छी लगे तो कृपया मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। मैं अपनी अगली रेसिपी के साथ आपके सामने फिर उपस्थित होंगी। धन्यवाद।